भी समर्थन मूल्य से खरीदने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मित्रों नरेंद्र मोदी सरकार ने ओडिशा के विकास के लिए ढेर सारे काम किए हैं। डीएमएफ के तहत 6,088 करोड़ रुपया देने का काम किया, IISCR बहरामपुर में बनाने का काम किया, संबलपुर के अंदर मैनेजमेंट की शिक्षा मेरे आदिवासी बच्चे ले पाए इसके लिए IIM बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया, भुवनेश्वर के अंदर IIT बनाने का काम किया, भुवनेश्वर के अंदर ESIC की एक नई अस्पताल बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार ने किया, और लगभग 10,000 करोड़, कितने करोड़ के भाई बोलो जरा, 10,000 करोड़ के 4-lane road बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। झारसुगुड़ा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया, बालासोर हल्दिया दुर्गापुर LPG लाइन डालने का काम किया, झारसुगुड़ा में हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, महानदी और ब्राह्मणी नदी पर 5,000 करोड़ रुपया से एक वॉटर वे का निर्माण किया जो उड़ीसा के विकास को आगे ले जाएगा। मित्रों 115 करोड़ की लागत से बालांगीर बिचुपाली रेलवे लाइन बिछाने का काम किया और उड़ीसा के 53 रेलवे स्टेशनों को वाईफाई से जोड़ने का काम, और सबसे बड़ा काम किया मित्रों पाई का विद्रोह, जो हमारे उड़ियाओं की अभिमान का विषय है, इसके विषय में एक डाक टिकट जारी कर समग्र विश्व के अंदर पाई का विद्रोह को इतिहास में स्थान दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी। ललित गिरी के अंदर एक म्यूजियम बनाया और यहाँ पर बालागीर और रसूलगढ़ किले में एक म्यूजियम बनाने का काम किया, और नवीन बाबू ने क्या किया मित्रों, 19 साल से नवीन बाबू यहां पर है, 19 साल से। मुझे बताओ हर गांव में घर में पीने का पानी नल से आता है क्या? आता है क्या? हर स्कूल के अंदर मास्टर है क्या? अस्पताल में डॉक्टर है क्या? युवाओं को रोजगारी मिलती है क्या? युवाओं को रोजगारी देने के लिए हरियाणा गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटक जाना पड़ता है, यहां पर रोजगारी नहीं। मैं गुजरात से आया हूं, रोजगारी के लिए हजारों ओडियावासी गुजरात में आए हैं। मुझे तो गर्व है मेरे प्रदेश की धरती पर आप आए हो, मगर मुझे बताओ जो ओडिया युवान गए हैं उनको अपनी युवा पत्नी और बूढ़े माँ बाप के साथ रहने का अधिकार है या नहीं है? जरा बताओ है या नहीं है? एक बार नवीन बाबू को उखाड़ कर फेंक दो, 5 साल में ऐसा उड़ीसा बनाएंगे कि रोजगारी के लिए किसी को बाहर नहीं जाना। मित्रों ये नवीन बाबू की सरकार ने खनन के अंदर घोटाले करने के सिवा कुछ नहीं कहा। एक और खनन के पैसों से नरेंद्र मोदी जी इतनी बड़ी बड़ी अस्पताल बनाते हैं, और दूसरी ओर MB शाह कमीशन ने 2005 से 14 तक जो खनन के पट्टे दिए गए इसमें भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार पाया। नवीन बाबू के जो बाबू लोग हैं वो भ्रष्टाचार करते हैं, मगर नवीन बाबू उन पर कार्यवाही नहीं। अपने ओडिशा की भूमि में इतना खजाना पड़ा है, इतना खनिज पड़ा है कि ओडिशा पूरे हिंदुस्तान का पेट पाल सके, मगर इतना समृद्ध ओडिशा है मेरे ओडिशा वासी गरीब है, क्योंकि यहाँ पर करप्शन ही करप्शन हो रहा है। मित्रों ये करप्शन बंद करना है तो नवीन बाबू की सरकार नहीं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना। एक बड़ा चिटफंड घोटाला हुआ,
हजारों गरीबों के, लाखों गरीबों के पैसे ये चिट फंड वाले चाउ कर गए। मैं पूछना चाहता हूं नवीन बाबू को, ये चिट फंड में करोड़ों लोगों के, गरीबों के पैसे खाने वाले लोगों पर आपने क्या कदम उठाया है, जरा बताइए, उठाया है कोई कदम? उठाया है? एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, ये चीट फंड घोटाले वालों को चून चून कर जेल में भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, राज्य में 20 लाख लोगों के पास भूमि का रिकॉर्ड नहीं है, आदिवासियों को अपनी भूमि नहीं देते हैं, और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी सरकार है जो मुद्रा बैंक के माध्यम से 84 लाख लोगों को रोजगार देती। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 1.5 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट खुले और 42 लाख माताओं को फ्री ऑफ कॉस्ट गैस का चूल्हा देने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने मित्रों ढेर सारे काम किए हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबसे बड़ा अगर काम कोई किया है तो देश को सुरक्षित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, और 10 साल तक ये आलिया मालिया जमालिया पाकिस्तान के आतंकवादी घुसते रहते थे, कोई उनको बोलने वाला नहीं था। नरेंद्र मोदी सरकार आई, अभी पुलवामा में हमला हुआ, हमारे 40 जवान शहीद, 40 जवानों को मौत के घाट उतारने का काम ये पाकिस्तानी आतंकवादियों ने किया। उसकी 13वीं के दिन ही नरेंद्र मोदी जी ने हमारे एयरफोर्स को हुक्म दिया, हमारी एयरफोर्स पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों के अड्डों पर बॉम्ब गिराकर उनके पुर्जे उड़ाकर वापस। मुझे बताओ भाई, केओंझार वालों, आपको अच्छा लगा या नहीं लगा? जरा जोर से बोलो, लगा या नहीं लगा?